15 अगस्त हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट डे होता है, आप जानते हैं, पूरे देश के लिए, और यहाँ भी उसका पूरा उत्साह है। जैसा हमने पिछली बार देखा है, आप लोगों ने भी उसमें पूरा सहयोग दिया कि लोग कैसे बढ़ चढ़ के उसमें पार्टिसिपेट करने आए। जहाँ अभी हम खड़े हैं बलिदान स्तंभ, ये हमारी तरफ से उन सभी को श्रद्धांजलि है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देके इस देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। सभी की तरफ से अगेन, जैसे एलजी साहब की भी तरफ से, सीएस साहब की तरफ से, डीजी की, सभी सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से और आम जनता की तरफ से, आप सभी को मैं कहता हूँ कि इस स्थान को भी 15 अगस्त के बाद आप जरूर विजिट करें और बच्चों को लेके आए ताकि उन्हें पता चले कि आज़ादी और उसके क्या महत्व होता है और किस तरीके से उनको एक पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पे मिलेगी। इसके अलावा आप सभी आमंत्रित हैं, इंक्लूडिंग, जैसे हमने पहले भी रिपीट किया है कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप कोई ऐसा, बहुत से लोग पूछते हैं कि इनविटेशन हमें भी दे दीजिए, तो आपके माध्यम से सभी को बोलना चाहता हूँ, इनविटेशन सभी के लिए है। आप सभी आमंत्रित हैं, आप आई कार्ड एक लेके आएँ और टाइम से आ जाएं जिससे कि आपको वहाँ स्थान मिल जाए और वहाँ पे भी काफ़ी अच्छे इंतजाम, पिछले बार के मुकाबले और भी अच्छे हमने इस बार करने की उसमें कोशिश की है। बच्चे भी उसमें बहुत बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसमें वो कल्चर प्रोग्राम हो या बैंड हो उनके, या इसके अलावा मार्च पास्ट में भी उस समय वो इंक्लूडेड है। सो दिस फ्रॉम माई साइड। उसके अलावा 12 तारीख को 6 बजे SKICC के बैक लॉन में सभी आए, तिरंगा यात्रा हम लोग कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जैसे लास्ट टाइम किया था, आप सबने उसमें पार्टिसिपेट किया था, तो इस बार भी तिरंगा यात्रा हम कर रहे हैं 6 बजे SKICC के बैक लॉन। थैंक यू।